नमस्ते जी स्वागत है आपका तेज सिविल्स में इस वीडियो सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के पी वी क्वेश्चंस को डिस्कशन में स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिकली यू पी पी की बात करेंगे घटना चक्र का बहुत लंबा चौड़ा और एम पी पी और यू के क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करेंगे इससे क्या होगा हमें कि जो पहले पढ़ चुके हैं उसको सीधे है ना चैनलाइज करने में बहुत आसानी होगी रिवीजन में बहुत आसानी होगी कौन कौन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन एवरेज बीस क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के ठीक है पॉलिटी के बीस क्वेश्चन आते हैं देखेंगे स्पेसिफिकली और यहाँ डिस्कशन के बाद ना हमें अपने आप को रेडी करने में बहुत आसानी हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी क्वेश्चन डिस्कशन चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सेकुलर इन द प्रियाबल वॉज एडेड बाई अमेंडमेंट ऑफ किस अमेंडमेंट में ऐड हुआ था तो ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था याद रखिएगा तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट की बात की जा रही है नाइन्टीन सेवेंटी सिक्स जो कि वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पच्चीस जून उन्नीस सौ पचहत्तर से जो सतहत्तर तक चली थी ठीक है और न्यू पार्ट पार्ट फोर ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स के लिए थी बाई द सिटीजन्स वो एडेड वॉज एडेड ठीक है ना ये याद रखिएगा कि क्या चीज़ ऐड हुआ था ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज़ द प्रेसिडेंट ऑफ झंडा समिति ऑफ कंस्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया तो ये आपके थे राज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा ठीक नेक्स्ट है कंटिजेंसी फंड कैन बी स्पेंड बाई प्रेसिडेंट थ्रू तो ये प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए तो कंटीजेंसी फंड का एक बार आर्टिकल देख लेते हैं कंटीजेंसी फंड वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 267 ऑफ द कंस्टिट्यूशन ठीक है तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कंटीजेंसी फ़ंड पूछ सकता है आपसे पब्लिक फ़ंड्स पूछ सकते हैं तो किस कौन सा आर्टिकल हो सकता है फिर दो तीन फंड्स होते हैं ना उनके आर्टिकल पूछ सकता है तो वो याद रखिएगा कि टू होता है टू होता है ठीक फिर आता है इन द इन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिड्योरी पावर रेजिड्य पावर्स आर वेस्टेड इन द तो ये होता है पार्लियामेंट के पास होती है तो रेजिडरी पावर्स आर वेस्ट इन पार्लियामेंट आर्टिकल टू फोर्टी एट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू रेजिडरी पावर ऑफ रिलेजलेशन ठीक है ये याद रखिएगा फ़्यादा सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं एज लीगल एडवाइजर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अगल एडवाइजर ही और शी इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री असिस्ट दटॉर्नी जनरली अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं ये उनसे छोटे होते हैं अगर हैर की बात की जाए तो ठीक नेक्स्ट है आपका वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इक्वल टू तो वाइस आ, अब प्लानिंग कमीशन की तो बात ही नहीं है ना अब तो हमारी नीति आयोग आ गया तो उस समय एक क्वेश्चन था वैसे कैबिनेट मिनिस्टर के मतलब रैंक का होता है लेकिन हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट देखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर कैन बी डि डिसमस्ड बाई तो ये हमें पता होना चाहिए अच्छा एक चीज मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा मैं पी डी एफ अटैच करूंगा और अभी रिसेंट फिर से पोस्ट करूंगा आपके ग्रुप में टेलीग्राम में तो उस पी डी एफ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन की हुई पी डी एफ़ है वो और आपको जितनी भी पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं सॉरी मान है, कंस्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और पंचायत बॉडीज हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छे से फैक्ट जो होते हैं ना जितने भी फैक्ट हैं वो इतने रिवीजन फ्रेंडली वैनर में मैंने अरेंज कर रखा है कि आपको बहुत आ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पॉलिटी के रिवीजन की बात हो रही है तो ठीक तो देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट सर्टिफाइड बाई टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ठीक है तो यह स्पेशल मेजोरिटी जनरल मेजोरिटी क्या होती है उसका भी डिस्टिंगशन हमें पता होना चाहिए फिर आता है क्वेश्चन ऑन सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी नाइन द टाउन इन राजस्थान वेयर पंडित नेहरू अनोग्रेटेड द पंचायती राज सब को ही पता है नागा और नाम है ठीक तो इस तरह से हमारा ये नाइनटीन नाइनटी वन खत्म हुआ है नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आ चुके हैं नाइनटीन नाइनटी टू पे चलिए क्वेश्चन देख तो पहला क्वेश्चन है द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कौन है ये सुप्रीम कोर्ट है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिपीटेड क्वेश्चन है ये और यूपीपीसी में भी ठीक है तो आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डिंग रेमेडीज फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच असर्ट्स दैट सिटीजन हैज राइट टू मूव मूव द सुप्रीम कोर्ट बाई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ठीक है तो ये हमेशा याद रखिएगा और जितने भी ये रिट्स होते हैं ना स्पेशल तरीके के इनके बारे में भी क्वेश्चन बने हुए हैं आएंगे हम फिर से पढ़ेंगे इसको तो हम धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं नेक्स्ट है इन द एबसेंस ऑफ प्रेसिडेंट ठीक एंड वाइस प्रेसिडेंट अगर दोनों एबसेंट हो हु होल्ड द ऑफिस तो ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड करता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लिया जाए सी कह लिया जाए ठीक है तो देख लेते हैं इन द एबसेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चीफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रीजन बाई रीजन इन ईच केस ऑफ डेथ रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन एबसेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया अवेलेबल शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ठीक नेक्स्ट आपका गवर्नर इज लाइबल टू तो ये आपके रिपोर्टिंग को इसको कौन होते हैं उनके हाईएस्ट रिपोर्टिंग थे तो इनकी रिपोर्टिंग होती है प्रेसिडेंट को तो होते हैं गवर्नर इज लाइबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट आर्टिकल 155 स्टेट्स दैट गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट बाईट बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ठीक नेक्स्ट आता है रीपोस्ट करूंगा, री करूंगा टेलीग्राम पे उस पूरे पीडीएफ को तो उस चीज को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा नेक्स्ट है हमारा विच विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो एजुकेटेड हो बाकी तीन बाकी जो तीन हुए हैं ना वो है कोई जरूरी नहीं अनपढ़ भी हो सकता है हमारे वहाँ तो ये कहते हैं तो कम कम्प्लीटेड थर्टी फाइव ईयर्स होना चाहिए हैव क्वालिफ़िकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी होना चाहिए शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया ठीक है और सिटीज़न कैसे बने है ना इसका भी लक्ष्मीकांत ने पहले पेज में दे रखा है कोई ज़रूरी नहीं है कि इनबॉर्न हो यहीं पैदा हुआ हो वो अगर यहाँ की सिटीजनशिप लेता है तो भी प्रेसिडेंट बन सकता है ठीक है तो ये भी याद रखिएगा ठीक और एक चीज और शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज फॉर मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होता है ये तीन साल होता है पहली बार एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है तीन साल होता है ये याद रखिएगा सबसे तो पहले फिर आता है प्रेसिडेंट रूल अंडर थ्री आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंस वैलिड इन द स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ये तो पता होगा कि छह महीने का होता है और उसको छह महीने उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है फिर देखते फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इफ अप्रूव बाई बोथ हाउसेज तो दोनों हाउस के लिए अप्रूवल जरूरी होता है प्रेसिडेंट सेल प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू फॉर सिक्स मंथ छ महीने के लिए बढ़ाया जाता है और कितने दिन तक लिए बढ़ाया जा सकता है तो मैक्सिमम ऑफ थ्री इयर्स विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट डन एवरी सिक्स मंथ ठीक है सिक्स मंथ के बाद हमेशा आपको अप्रूवल चाहिए होगा उसको ठीक है तो ये चीज देख लेते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ठीक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं फिर आता है कैबिनेट इंक्लूड्स क्या है उसमें कैबिनेट कौन कौन बनाता है ठीक है तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाँ कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट की बात की जाए और कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग uh, हो रही है तो हो सकता है कि किसी किसी को अलग रिस्पेक्ट में बुलाया जा सकता है लेकिन नॉट नेसे, नेसेसरीली ये लोग बिलोंग करते हैं कैबिनेट को और ये अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं पॉज करके देख लीजिएगा नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ विच हाउस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डेट हाउस ठीक है तो आपको पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं लेकिन मेंबर नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ठीक नेक्स्ट आता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज छः साल होता है कई लोग अभी अभी आपने देखा होगा कि धनकर जी ने एक सेरेमनी की थी और जो मतलब जो मेम्बर्स का रिटायर हो रहे थे जिनका छः साल कंप्लीट हुआ था उनको फेलिसिटेट किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आता है हु इज मनी बिल और नॉट तो भैया सबको ये पता है स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं और वो क्वेश्चनेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में ठीक है आर्टिकल वन टेन ये भी पूछा हुआ कई बार पूछा हुआ है कंस्टिट्यूशन डील विथ मनी बिल दे कैन इंट्रोड्यूस दे कैन भी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा तो सिर्फ सॉरी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा प्रेसिडेंट कैन आई एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन तो एक बार जब उसने अप्रूवल दे दी क्योंकि उसी के साइन से अप्रूव होता है पहली बार ये मनी बिल है कि नहीं है ठीक है तो या तो एक्सेप्ट कर सकता है तो रिजेक्ट कर सकता है ठीक है लेकिन रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता ठीक है और एक चीज़ और है नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व डेड फॉर मनी बिल याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इलेक्शन कमीशन तो क्या एसोसिएटेड है टू अलॉट इलेक्शन सिंबल सही बात है टू सॉल्व लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन ये भी सही बात है टू कम्प्लीट द इलेक्शन इन पीसफुल मैनर क्या नहीं है नोटिफिकेशन अबाउट इलेक्शन तो नोटिफिकेशन ऑफ अबाउट इलेक्शन कौन निकालता है नोटिफिकेशन अबाउट इलेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन अंडर सेक्शन फोर्टीन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट द इलेक्शन कमीशन सेंड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट विच रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट टू क्लियर द नोटिफिकेशन ऑफ पोल डेट्स तो ये थोड़ा डिटेल्ड था ठीक है पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन बने हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या रहता है वॉट इज़ द टर्म ऑफ मेयर तो आपको सब पता होगा ना पाँच साल के लिए कोई भी इलेक्शन होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या कह लीजिए पंचायत का तो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है और आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका पाँच पाँच साल के लिए होता है तो पाँच साल के लिए चुना जाता है ठीक तो है तो मेयर इज़ हेड ऑफ़ अ असिपल गवर्नमेंट ठीक अब चलिए नेक्स्ट ईयर टू मूव करते हैं अब हम आ चुके हैं 1993 पे चलिए क्वेश्चंस को तो है क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू तो हमें ये पता था कि ये प्रोविंशियल असेंबली एस, जो थी वो इलेक्ट कर रही थी प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे तो एक बार देखते हैं कंस्टिट्यूट असेंबली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट वॉज इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर कम्यूनिट मिसिन प्लान तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कंस्टिट्यूट असेंबली बनी थी ये भी पता है डेट हमको पता होना चाहिए सोलह में उन्नीस को बनी थी फिर मेंबर कैसे इलेक्ट हुए थे वो इलेक्टेड बाई प्रोविजन प्र... प्रोविंशियल असेंबलीज बाई थी सिंगल थी। ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो ये पता होना चाहिए नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कंस्टिट्यूशन कैसे आई थी तो अभी हमने पढ़ा है ना फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है ठीक है थीके? तो चैप्टर एक नया चैप्टर एक नया पार्ट एड हुआ था 4A, which, which article, जो कि फिफ्टी वन ए की बात करता है नेक्स्ट है द इलेक्टोरल रूल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंसिस्ट ऑफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल या हर साल नहीं कहेंगे तो कह सकते हैं रेगुलरली पूछा जाता है और क्यों कौन कौन होता है तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज तो याद रखिएगा ठीक नेक्स्ट है असन रीजन पे क्वेश्चन है पॉलिटी में अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं ठीक है तो फर्स्ट देखते हैं असशन क्या है पॉलिसीज़ आर मेड बाय मिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पब्लिक सर्वेंट सही है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स अपलिकेबल दोनों सही है लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया क्यों क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेलीगेटेड लेजिसलेचर की बात की जाती है कि फ्रेम कोई करेगा इम्प्लीमेंट कोई करेगा ठीक है तो ये चीज़ लेकिन ये स्टेटमेंट दोनों सही है तो इसका आंसर होगा बी नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कैबिनेट मिनिस्टर फॉर तो छः महीने के लिए हो सकता है लेकिन छः महीने के अंदर उसको कोई ना कोई इलेक्शन जीतना पड़ेगा चाहे वो राज्यसभा में मतलब इलेक्ट होके आए चाहे वो लोकसभा में इलेक्ट होके आए ठीक है।, है तो आर्टिकल सेवेंटी फाइव कहता है कि मिनिस्टर हु इज़ फॉर एनी पीरियड ऑफ सिक्स सिक्स कंसर्क्यूटिव मंथ इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट शैल एट एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मेंबर ठीक फिर देखते हैं इन राज इन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स आर गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस तो ये है पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे होता है ठीक है इसीलिए एक अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग राज्यसभा की सीट मिली हुई है यहाँ से एक चीज़ मुझे और याद आई कि कि किन किन स्टेट्स को किन कितने कितने सीट्स मिले हुए हैं लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा के ये देखना आपका होमवर्क है क्वेश्चन बना हुआ है आ सकता है ठीक नेक्स्ट देखते हैं हु अमोंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमें अभी पढ़ा कुछ देर पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं तो सिक्सटी फोर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ठीक है तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सिक्सटी फोर आर्टिकल सिक्सटी फोर बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट टू तो भी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर आर्टिकल सिक्सटी फोर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सैचरी पावर बिटवीन द स्टेट्स एंडर गिवन इन द सेवेंथ शेड्यूल अब सेवेंथ शेड्यूल की बात तो हुई है हमें पता है अभी है कि सेवंथ शेड्यूल अंडर आर्टिकल फोर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट अब एक चीज याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिलेटिव एंड फाइनेंशियल पावर जहां जहां डिवीजन हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखना मैं पी फिर से शेयर को बोल रहा हूँ मैं शेयर करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पी है वो, वो हो सकता है मैं डिस्कस भी करूँ वीडियो में उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है आपको तो वो जरूर देख लीजिएगा फिर आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंक्लूड्स इंकलू यार वही फिर सिंपल आ गया सेंटर इज़ इंक्लूडेड इन सेवन शेड्यूल ठीक है इसी की बात कर रहा था देखिए मैं कि टू फिफ्टी से टू फिफ्टी फिफ्ट तक है आपका लेजिलेटिव रिलेशन है फिर टू से टू तक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फिर फाइनेंशियल आता है टू से टू तक तो ये आपके टू फोर्टी से लेकर 293 तक जितने भी आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ऑफ द कंस्टिट्यूशन तो राजस्थानी नहीं है ये भी देख लीजिएगा बाईस लैंग्वेज कौन कौन से हैं और दूसरी पहली बात योजे हो गई दूसरी बात ये है कि इनमें से लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है ठीके? तो डोगरी मैथिली संथाली कौन से कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं हो सकता है क्वेश्चन बनेगा फिर से नेक्स्ट आएगा हम देख लेंगे उसको ठीक है नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन ऑफ़ फाइनेंस कमीशन क्या होता है तो इसमें से अब इस, आर्टिकल पहली बार सबसे पहले याद रखिएगा कि ऐसे कंस्टिट्यूशनल बॉडीज़ का आर्टिकल पता होना चाहिए और फंक्शंस पता होना चाहिए तो इस इस ऑप्शन में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ़ टैक्सेस विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन दर ठीक है तो ये बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है मेन फंक्शन का यही होता है और तो आर्टिकल टू किसके लिए होता है फाइनेंस कमीशन के लिए ठीक नेक्स्ट है टेनिवर ऑफ द ऑफ द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज तो ये छः साल के लिए होता है या तो छः साल होंगे या तो अगर पैंसठ साल हो जाता है तो फिर उस समय रिटायर हो जाएंगे अदरवाइज छः साल कंप्लीट करने को मिलेगा ठीक है तो देख लेते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर सी की बात हो रही है इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड दैट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव ठीक एक बार देख लेते हैं आर्टिकल टू आर्टिकल वन टू वन इज सॉरी आर रिलेटेड टू सी ऑफ़ इंडिया तो ये याद रखिएगा और यह टेन्यूर की बात की जा रही है आई द सिक्स ईयर्स और सिक्सटी फाइव ऑफ द ईयर विदेवर इज़ अर्लियर नेक्स्ट आता है प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश बाई इस तो ये स्टेचुरी बॉडी थी ठीक है स्टैटू चरी बॉडी थी और ये पार्लियामेंट एक एक्ट से बनाई गई थी तो ये हमारे लिए आज के दिन में इंपॉर्टेंट नहीं है सेम लेकिन इसी इसी प्रिंसिपल पर आपको नीति आयु हुई बनाई गई है तो इस साल यही साल भी ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर पर मूव करते हैं हम आ चुके हैं नाइनटीन नाइन्टी फोर पर चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉल बोरोड फ्रॉम आयरलैंड हो गया पूछ सकता है ऑलरेडी सबको ही पता होगा तो पार्ट फोर जो आर्टिकल थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन तक जाता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीज आयरलैंड से उठाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिटीजन प्रोवाइडेड बाई द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाई द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सिंगल सिटीजनशिप डूगल सिटीजनशिप नहीं होती है यू एस ए में है कि स्टेट की अलग होगी और ओवरऑल यू एस की अलग होगी ठीक है तो इंडिया में नहीं है ऐसा कॉन्सेप्ट और आर्टिकल फाइव से अलेवन तक चलता है पार्ट टू की बात हो रही है ठीक है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी ये हटा दिया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया था तो ये फोर्टी फोर्थ कंस्टिट्यूशन कमेंडमेंट से हटा दिया था गया था माफ़ कीजिएगा गलत बोल दिया मैं लड़बड़ा गया तो फोर्टी फोर्थ कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नाइन्टीन सेवेंटी एट में जो पास हुआ उससे हटाया गया था और आज के दिन में ये आर्टिकल थ्री हंड्रेड सब पार्ट ए में है ठीक नेक्स्ट देखते हैं तो ये आज के दिन में स्टैचूटरी राइट right है और ये मतलब एक तरह कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं है या लेकिन एक और वर्ड बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ठीक है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एबॉल्यूशन ऑफ अनटचचेबिलिटी इन एनी फॉर्म आर्टिकल सेवनटीन ठीक है और ये इसके लिए कहते हैं ना कि कुछ कुछ एक्ट जरूरी होते हैं किसी किसी आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो लास्ट में जाके सेकेंड लास्ट पेज पर लिखा होगा कि कुछ कुछ एक्ट्स जरूरी होते हैं तो वो यहीं पे वो एक्ट जरूरी है। ये वन ऑफ दोज आर्टिकल है जहाँ पे आपको आर्टिकल को पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट चाहिए होते हैं ठीक है फिर आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म सही बात है थ्रू इम्पीचमेंट तो आर्टिकल सिक्सटी की बात की जा रही है और पूरे आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बस एक जगह इम्पीचमेंट की बात की गई है और वो है आपका आर्टिकल सिक्सटी ठीक है नेक्स्ट है आपका द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ लीगल एडवाइज़र ठीक है हम देख चुके हैं ऑलरेडी और ये असिस्ट करते हैं अपने अटॉर्नी जनरल जी को अटॉर्नी जनरल जी का आर्टिकल क्या है है ना आप कमेंट करिए या फिर जाके रिवाइज कीजिए है ना इसके आगे कुछ होता है ना तो सर्च करिएगा सॉरी है ना तो इसको मिटा देते हैं आर्टिकल सेवन के आगे क्या होता है आप सर्च करिएगा फिर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा तो ये क्या है वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी टू ईयर अभी हमने बात की है इसके बारे में ठीक है और टोटल इनका लाइफ कितना, कितना होता है मतलब टेन यूर कितना होता है छः साल का होता है फिर आता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल इनेबल द अडोप्शन ऑफ मनी बिल दैट वॉज वंस पास बाई लोकसभा बट वॉज अमेंडेमेंट राज तो क्या प्रोसीजर हो सकता है अगर कोई मनी बिल है जो पास किया गया है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा रिकमेंड किया गया है कुछ अमेंडमेंट्स तो क्या होगा आंसर इट विल बी डीम टू हैव बीन पास इफ़ द लोकसभा पासिस इट अगेन आइदर बाई एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग तो पहली बात पावर नहीं होती है राज्यसभा की कोई कि मनी बिल अमेंड कर दे अगर कोई रिकमेंडेशन भेजता है तो वो लोकसभा के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं एक्सेप्ट भी करता है और पास कर देता है तो उसे पास माना जाएगा और ये आर्टिकल 110 की बात हो रही है मनी बेल की ठीक नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस गिवन टू द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द ऑफिशियल हैरारकी तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं है लेकिन नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं या फिर जो सी ई हैं उनकी हैरारकी जानने की ज़रूरत है ठीक है नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू एम्प्लाईज द राइट ऑफ कोर्ट टू तो क्या होता है डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इन वैलिड इफ इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट कंस्टिट्यूशन ठीक है तो आर्टिकल थर्टी थर्टीन में ये पावर मिली हुई है ठीक है नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनाक्रेटेड बाय ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नागौर की बात है हाँ डेट जानना जरूरी है हमें दो अक्टूबर उन्नीस यानी फिफ्टी की बात है ये ठीक चलिए नेक्स्ट ईयर पर मूव करते हैं अब हम आ चुके हैं नाइनटीन पे चलिए क्वेश्चन को देख तो क्वेश्चन है पहला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन तो अभी हमने बात की कि नौ दिसंबर 1946 की बात हुई है डेट हमें याद होना चाहिए ईयर हमें याद होना चाहिए ठीक है तो 1946 में बना था और एक चीज़ और ये क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दैट टाइम व मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली ठीक है और फर्स्ट सेशन कब हुआ था कि नौ दिसंबर उन्नीस में हुआ था नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कंस्टीट्यूट कंस्टिट्यूट असेंबली वॉज तो आपको पता ही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे ठीक है अच्छा एक चीज़ और कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी मेम्बर हैं ना उनका कुछ भी एक्रोनिम बना लो कुछ भी कर लो याद कर लो नाम याद कर लो आपको जहां से मिल रहा है जैसे भी है वो नाम याद होने चाहिए आपके पास ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ऑसोशन रीजन पे क्वेश्चन है असोशन क्या कहता है द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फेडरल स्टेट ठीक है भाई पर फेडरल सिस्टम रीजन क्या है इट वाज क्रिएटेड वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर इट हैज़ क्रिएटेड वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन बी मतलब आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ठीक है और आपको भी पता है कि अगर स्ट्रॉग सेंटर बना रहा है तो कहाँ से एक्सप्लेन कर दिया फेडरल सिस्टम बनाने को ठीक तो नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाई हम देख चुके हैं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट है यूनियन टेरेटी इन इंडिया इज एडमिन आर एडमिनिस्टर्ड बाई प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं इनको उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा कौन तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट किए मतलब गवर्नर और लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो सॉरी माफ कीजिएगा ना, तो है ना गवर्नर तो नॉर्मल स्टेट में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक और पोस्ट होती है ना आई एम रियली सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी आएगा तो बात किया जाएगा इसके बारे में तो एडमिनिस्ट्रेटर्स uh, होते हैं शायद है ना उनको एंड कॉमन ही एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा ठीक नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स एट लीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट इन अ ईयर तो ये ट्वाइस होता है तो आर्टिकल एटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द सॉरी एज़ पर द आर्टिकल एटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देर शुड बी दे शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन सिक्स मंथ बिटवीन द टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट नेक्स्ट आपता है द द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव रेसरी पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट ठीक है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसको तो पार्लियामेंट के पास होता है ये इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ आई हाउस ऑफ पार्लियमेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर बात ऑलरेडी कर चुके हैं छः महीने के बाद नहीं रह सकते आर्टिकल्स सेवेंटी फाइव का सब क्लास फाइव इसकी बात करता है फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेट हैज लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा तो ये है आपका लोक अभी बात की है ना मैंने कि आता है सर का क्वेश्चन तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि हमारा क्या है तो हमारा स्टेटस है भैया अस्सी हमारे पास लोकसभा है यूपी की बात कर रहा हूँ और राज्यसभा इकतीस है ठीक है ना तो इसी तरह से जितने भी हैं है ना जितने भी स्टेट्स हैं एक लिस्ट रखो अपने सामने और पढ़ जाओ नेक्स्ट आता है मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज तो ये आपका फाइनेंस कमीशन जो बोलता है वही डिसाइड करता है तो आर्टिकल टू एटी से हमको मालूम चलता है कि फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे के लिए ज़रूरी है नहीं टेंथ फाइनेंस कमीशन की बात थी तो आज के दिन में है नहीं अब तो सोलवाँ बनने को आ गया और सोलवा का चेयरमैन किसको बनाया गया है भैया अरविंद पनगरिया जी को बनाया गया है ठीक है याद रखना नेक्स्ट है द चीफ लीगल एडवाइजर चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज तो ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है और आर्टी से, आर्टिकल सेवनटी सिक्स तो मैं लिखा था आर्टिकल सेवन लिख के छोड़ दिया था ना तो इस वो आर्टिकल सेवेंटी सिक्स होता है अटॉर्नी जनरल का ठीक है तो इसी के साथ ये साल भी खत्म होता है नेक्स्ट पे मूव कर हम आ चुके हैं नाइनटीन पे चलिए क्वेश्चन को देख तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल ट्वेंटी अब बात आती है कहां से कहां तक आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है ना तो तीन की टर्म्स यूज होते हैं प्रोफेस प्रैक्टिस एंड यूज होता है आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ठीक नेक्स्ट आता है राइट टू प्रॉपर्टीज तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये लीगल राइट है है ना ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right नहीं रह गया है ठीक आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट फिर आता है द कमेटी ऑन हूज रिकमेंडेशन द पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वॉज हेडेड बाई तो ये स्टार्टिंग में किसके रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुई तो बलवंत राय मेहता जी की मेहता जी की कमेटी uh, थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और नाइन्टीन फिफ्टी सेवन में स्टार्ट हुआ था और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट हुआ था ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाई द मेम्बर्स इलेक्टेड ऑन द पार्टी टिकट टू द लेजस्लेचर तो ये टेंथ कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है और फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की बात हो रही है तो ये एंटी डिफेक्शन एक्ट जिसको कहते हैं उसी की बात हो रही है, तो ये सा, ये है क्वेश्चन को देख तो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो ये भी ये बहुत बड़ा एक रीजन है नेक्स्ट है इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स दैट देर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया तो क्वींस और किंग्स नहीं होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट होता है क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसिज द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट फर्स्ट इनंसिएटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट तो हमको पता है केशवानंद भारती केस नाइनटीन थ्री की बात है ये ठीक नेक्स्ट देखते हैं द आइडिया डेट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट इज डिपिक्टेड इन तो हमें पता है दो जगह है पहली बात तो सब प्राइमरली हमें कहा सुनने को मिलता है सोशल जस्टिस का नाम वो आपका आता है प्रीएम्बल में ठीक फिर आपका आता है आपका एक एक, एक एक आर्टिकल को डिटेल से बात की गई है डीपीएसपी में तो दो जगह आता है ठीक है

राइट टू ट्रेवल अब्रॉड तो ये आपका आर्टिकल नाइनटीन है तो आर्टिकल नाइनटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यह आपका फंडामेंटल राइट right है ठीक है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार फिर आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्स द राइट ऑफ माइनॉर्टीज टू एस्टैब्लिश एस्टेब्लिश एडमिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो आर्टिकल थर्टी है तो ये क्वेश्चंस देख के आपको ये आइडिया लग रहा है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जितने भी डीपीएसपी हैं वो आपको कंटस्ट होना चाहिए ठीक नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा ये याद रखिएगा ठीक है फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का Uh, कहते हैं उसका डिटेल में मेंशन में है आर्टिकल सिक्सटी फोर हमने देखा अभी तो वहाँ पे मेंशन है कि कैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे ठीक है नेक्स्ट आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू तो ये है ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजलेचर ऑफ द कंट्रोल कंसर्न स्टेट पासिस रेजोल्यूशन तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है ये इनका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट और रिमूवल डायरेक्टली प्रेसिडेंट से होता है स्टेट लेजीलेचर का कोई रोल नहीं होता फिर तो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट तो यह आता क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस तो आर्टिकल कौन सा है ये आपका काम है आर्टिकल थ्री समथिंग है ठीक है तो यह सर्च कीजिएगा कौन सा आर्टिकल है ठीक नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ में रिप्रेजेंटिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब टू हाउस ऑफ पीपुल यानी एमपी की बात हो रही है तो कितने एमपी सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं मध्य प्रदेश से आते हैं वो कितना नंबर कितना है ये तो लिखा नहीं है लेकिन चलिए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि एमपी से सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के एम मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब से एम लोग आते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली आ गया ना फिर से आ गया, गया क्वेश्चन ठीक है तो ये चीज़ क्या है आंध्रा के बयालीस है ठीक है अब आंध्र प्रदेश उसके बाद उस समय जो क्वेश्चन था यार तेलंगाना डिवाइड नहीं हुआ था तो आज के दिन में तो क्वेश्चन सही भी नहीं हुआ लेकिन ये है हमें ये सीख दे रहा है कि हमें पता होना चाहिए फिर आता है जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विथ ऑर्डिनरी बिल ठीक है तो नं मनी बिल पे तो हो ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन बिल पे नहीं हो सकता ठीक है तो आर्टिकल वन जीरो एट जॉइंट सेटिंग के लिए बात करता है ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियमेंट इंडिया हैज़ बाई के ये तो कहानी कौन पढ़ने वाला है ठीक है हमें यह जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल दोनों केस में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो वैसे भी नहीं होगा भैया तो दोनों केसेज में जॉइंट सॉरी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है अगर कोई भी डेड होता है तो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पैसे भी डेडलॉक होने के चांसेस बहुत कम है ठीक है नेक्स्ट है आपका विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये देखिए एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट ये सारे के सारे है ना आपके आ, तो ये इसमें से रेलवे पुलिस जो आता है वो स्टेट पुलिस में है स्टेट पुलिस है बाकी का, बाकी आपका कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में से ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं which, which तो ये आपका 371 है और 371 में डिफरेंट स्टेट्स की बात की जाती है ए से लेकर जे तक वाइल आर्टिकल थ्री एंड थ्री सेवन एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस जनवरी ट्वेंटी आर्टिकल थ्री सेवन ए से जे तक वह इनकोपरेटेड थ्रू अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 तो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग आर्टिकल्स ऐड होते चले गए ठीक है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट व परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर तो ये कहीं पर भी अलाउड नहीं है प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर जज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है याद रखिएगा तो आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर सब क्लास सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग आर्टिकल दिस आर्टिकल नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस और एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ठीक फिर आता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रेट्स कवर्स तो उसके सबसे बहुत वाइड पावर होता है हाई कोर्ट का वो पता है सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा होते हैं तो ये चारों के तीनों के तीनों हैं स्टेचुरी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह होते हैं तो ये लेकिन ये जाना जरूरी है कि हाई कोर्ट में क्या होता है अगर आर्टिकल थर्टी टू है आपका सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल टू टू सिक्स है आपका हाई कोर्ट का नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द सेवन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है आपका गैस ठीक है बाकी बैंकिंग सेंसेस और इंश्योरेंस इंक्लूडेड है इसी के साथ ये साल भी खत्म होता है नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हम आ चुके हैं नाइनटीन नाइन एट पर क्वेश्चन अगर आप अगर आप एक चीज एनालाइज कर रहे हो ना कि प्रीवियस आप सोचिए कि नाइन्टीज के डेकेड में जब क्वेश्चंस चल रहा है ना नाइन्टीज वाले नाइन्टीन नाइन्टी के डेकेड में जो बात हो रही है हमारी उस समय भी क्वेश्चन कितने एलर्टिकल थे है ना ऐसा नहीं है कि ब्लंट आए वो है रट्टा मारो जिंदाबाद हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुछ देखो फैक्चुअल तो है लेकिन अनलेस एलर्टिल पीछे कोई कहानी नहीं है तो आप उसको रट भी नहीं सकते हो लेकिन जो आज परसेप्शन बना हुआ है ना कि पेपर टफ हो गया अरे यार वो तो पैटर्न चेंज हो गया है तो अगर हमसे ही पढ़ोगे तो ही पैटर्न तुम पकड़ पाओगे नहीं आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखो आपको समझ में आ जाता है कि यार पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो बीच में कैसे पूछे गए अब कैसे पूछे जा रहे हैं तो अब एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे सामने है अंडरस्टैंडिंग का ठीक चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन द resolution ऑफ गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was adopted by Constituent असेंबली ऑन तो ये है आपका 22 जनवरी 1947 सौ ये याद रखिएगा कि 1947 22 जनवरी को इंडिया ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था उसका रेजोल्यूशन पास कर लिया था ठीक है फिर तो आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये डी की बात हो रही है और आर्टिकल 939 डी की बात है ये ठीक है तो ये हमेशा याद रखिएगा ये ऐसे आर्टिकल्स मैंने कहा है ना कंठस्थ होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल सॉरी और डी uh, के आर्टिकल्स एट द सेम टाइम दस आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें भी पता होना चाहिए फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया देखते हैं क्या है इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो दर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन ऐसा कुछ नहीं है दे आर नंबरेटेड इन पार्ट सेकंड ऑफ द ये भी गलत है पार्ट थ्री में है ठीक है दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये गलत है इसमें से कुछ पार्ट तो क्या कह कहते हैं आपका डी में इंश्योर होता है ठीक है दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यू एस राइट्स ऑफ बिल ऑफ राइट्स के बराबर हैं तो पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट एक्शन ठीक है तो ये गारंटीज तो है लेकिन हमेशा नहीं है ठीक है पहली बात तो तो एब्सोल्यूट नहीं है पहली बात ठीक तो है तो नेक्स्ट ये देखते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंश्योर करती है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ठीक है फंडामेंटल राइट्स राइट आर आर लाइक बिल ऑफ राइट्स ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो टोटली सही नहीं है नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकगनाइज एज फंडामेंटल राइट बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो कौन कौन से है राइट टू शेल्टर और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये डी पी एस फी में आता है इसको अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं बताया गया है नेक्स्ट है आपका इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आपका कौन सा है अभी ये बात मैंने बोली ना कि आर्टिकल फिफ्टी वन ए में जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपको याद होने चाहिए कंठस्थ होने चाहिए ठीक फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डी पी एस पी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन नॉट ये अभी तो हमने पढ़ा है ये आयरलैंड से लिया गया है ठीक नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल फ़िल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ये छः महीने का होता है दोस्त है ना कभी भी कोई भी वैकेंसी आ जाए किसी भी तरह की चाहे वो उदयत रेजिग्नेशन या रिमूवल से रिलेटेड हो छः महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए दोबारा ठीक फिर आता है एसोसिएशन रीज़न देखिए कब से आ रहा है यार एसोसिएशन रीजन ऐसा कुछ नहीं है कि नया आ गया है ठीक फिर आ गया कि अ क्या कहता है फेडलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया तो आ, हम देख सकते हैं ना कि फेडलिज्म टाइट कॉन्सेप्ट नहीं है टाइट बॉटल कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में तो ये सही स्टेटमेंट है इंडिया इज नॉट अ ए स्टेट ये गलत है तो ए सही होगा इसका आंसर क्या होगा सी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानसली तो ये आपके कौन है एन संजीवा रेड्डी हैं क्वेश्चन आ सकता है रट लीजिएगा लेकिन ये भी पता होना कि चाहिए कि लिस्ट क्या है जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं तो एन संजीवा रेड्डी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनानसली इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन एट द एज ऑफ सिक्सटी फोर सी एस सिक्स इंडिया सिक्स प्रेसिडेंट है इंडिया के और इनको अन इलेक्ट किया गया था तो ये थोड़ा सा अवार्ड बना आउट है इसलिए याद होना चाहिए फिर आते हैं इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इंडिया वो इन्फ्लुंस बाई द एग्जाम्पल ऑफ तो ये जो बारह लोग किया जाता है ना जिनको कहते हैं कि अलग अलग डिस्टिंक्शन से आते हैं राज्यसभा में तो वो आयरिश आर, रिपब्लिक से कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड है और माफ कीजिएगा वो अलैक्ट नहीं किया जाता है वो उनको अपॉइंट किया जाता है ठीक है नॉमिनेट किया जाता है सॉरी फिर था था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा ड नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ तो कहीं पे भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये यूएसए से अडोप्ट किया गया था नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल थ्री फोर्टी फोर ऑफ वॉज सेटअप इन तो 1955 सौ पचपन बाई बी जी खेर एज चेयरमैन तो आर्टिकल थ्री फिफ्ट थ्री फोर्टी फोर में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात की जाती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विशन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन द आर्टिकल सॉरी एथ शेड्यूल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पोकन बाई द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तो ये आपके बंगाली है ठीक है तो बाई, बाईस लैंग्वेज हैं उसमें से बंगाली जो है वो सबसे सब ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाई फोर्टी सेकेंड अमेन्डमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल फोर्टी फोर द्वारा रिप्रेजेंटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नहीं जोड़ा गया था वो स्टार्टिंग में ही वो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था जब से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है ये सारे तीनों जो होते हैं ना प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ फ्राम एक्सपर्टेशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ये तीनों आपके ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे ठीक है ये याद रखिएगा इसी के साथ ये साल भी खत्म कंप्लीट होता है नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं अब हम आ चुके हैं नाइनटीन नाइनटी नाइन पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन रीजन से बात है, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन सही बात है यूनियन कैबिनेट हैज़ पावर टू ऑल्टर द एरिया बाउंड्री एंड द नेम ऑफ एनी स्टेट गिवन विदाउट एनी कंसनियर्स बिल्कुल सही है और दोनों सही है और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को नेक्स्ट देखते हैं द मेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल थर्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिगार्ड्स टू तो ये आर्टिकल सॉरी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल थर्टीन क्या होता है टू इंश्योर पैरामेंटल पैरा माउंटेंस माउंट सी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स ठीक याद रखिएगाटिव पावर तो यह है आपका आर्टिकल सेवनटीन तो यह क्या करता है आर्टिकल सेवनटीन एवोल्यूशनिटी एंड आर्टिकल ट्वेंटी फोर ठीक है आर एब्सोल्यूट राइट ठीक है यह ध्यान दीजिएगा ये कुछ डिस्टेंशन के साथ नहीं आ सकता है कि आपको हम अनटचेबिलिटी से होता है ना कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसा आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में कुछ कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं कि इन इन पर पर्टिकुलर पैरामीटर्स को एक्सट्रीम सर्केंसेज में हम डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस यूज़ कर सकते हैं लेकिन आर्टिकल सेवनटीन और आर्टिकल ट्वेंटी में नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट एक्ट बनाए और बोल दे कि भैया आपका रिलीजन कास्ट क्रीड के बेसिस पे हम कभी कभी आपसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ठीक फिर आता है विच आर द फॉलोइंग एनेबल्ड सुप्रीम कोर्ट टू डिड्यूज अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो आपका क्या है तो वर्ड्स एंड सोशलिस्ट यूज इन द प्र्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हेल्प किया तो रेड विथ आर्टिकल सॉरी रेड ए विध आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है फिर आर्टिकल सिक्सटीन को भी एक साथ रीड किया गया तो ए बी सी तीयों सही होगा नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज रेगुलेटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल तो ये कम्बानेशन ऑफ ऑल द अबव है क्या है आर्टिकल 19 से फ्री मूवमेंट होता है आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक का है ठीक है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो ये फिर से बात आ गई ना कि कितने राज्यसभा लोकसभा और कभी कभी अपने अगल बगल के स्टेट्स का जितने असेंबलीज में सीट है वो भी पता होना चाहिए तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है अब आंध्र प्रदेश उस समय मतलब ज्वाइंट हुआ करता था अब तो तेलंगाना बन गया और तमिलनाडु की बात हो रही है उस समय ग्यारह ग्यारह सीटें थी ये आपका मैथ द फॉलोइंग है और ये शेड्यूल पूछा गया है और रिफॉर्म्स सब्जेक्ट मैटर पूछे गए हैं तो फोर्थ शेड्यूल की बात हो रही है काउंसिल ऑफ स्टेट सिक्स की बात ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है एटथ हो रहा लैंग्वेज नाइन्थ हो रहा लैंड रिफॉर्म नेक्स्ट देखते हैं Which of the following articles of the Constitution of India have been declared by Supreme Court as inviolable basic structure of the Constitution? तो ये तो हमें पता ही है कि आर्टिकल अभी हम बात की है ना कि रिट रिट की बात हो रही है तो रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ से डिराइव होता है तो आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स तो हमें बात ही की हुए हैं टू ट्वेंटी सेवन भी इंक्लूडेड है तो तीन चीज़ें हैं बत्तीस दो सौ छब्बीस और दो सौ तेईस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट रिमूव राइट राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम पार्ट थ्री एंड प्लेसिस द कंस्टिट्यूशन तो ये आप समझ लो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया तो वहाँ से राइट टू इक्वालिटी को हटा के कहीं और प्लेस नहीं कर सकता है कोई भी मतलब एक्ट ठीक है इसी के साथ ये साल भी कंप्लीट होता है नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं तो हम आ चुके हैं टू थाउजेंड पे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं इस डेकेट के लास्ट ईयर होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी ठीक तो पहली बात तो ये कि कैटेगरीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रीडम ऑफ़ वॉट फ्रीडम ऑफ वॉट है ना इस तरह से तो चौदह पंद्रह सोलह एक कैटेगरी बिलोंग करते हैं लेकिन जहाँ पे नाइन्टीन आता है ना वो डिफरेंट कैटेगरी में बिलोंग करता है तो आर्टिकल नाइनटीन सीज दैट एवरी वन हैज़ द राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन इन दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड फ्री स्पीच विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डस ऑफ फ्रंटियर्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द रीसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स और द मैन्युफैक्चर मैन्यूफैक्चर एंड यूज ऑफ वर्जिन और रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैरी बैग्स और कंटेनर्स वाज मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ट अंडर तो ये तो उस समय की बात होगी तो हमें इस समय तो पढ़ना उतना ज़्यादा सही है नहीं नेक्स्ट देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल वोज देयर एग्जिस्टेंस टू प्रोविजन इन द आर्टिकल 263 की बात की जा रही है तो ये है और किसके रिकमेंडेशन पे बना था तो सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था नेक्स्ट है जोनल काउंसिल्स पार्लियामेंट तो स्टैचुरी बॉडीज होती हैं ये अलग अलग जोनल काउंसिल्स होती हैं कितनी जोनल काउंसिल्स हैं पाँच जोनल काउंसिल्स हैं ठीक है थीके? ये ध्यान दीजिएगा पांच जोनल काउंसिल है याद रखिएगा तो एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन के uh, बेसिस पे बनाया गया है इनको फिर आता है मनी बिल हैव बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल तो ये 110 है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल ठीक याद रखिएगा रहता है अकॉर्डिंग टू दू द लॉ एनेटेड बाई द पार्लियामेंट इन दिसंबर एटी नाइन द लीगल एज ऑफन टू बिकम इज तो सबको ये पता अठारह साल की बात हो रही है तो ये कौन सा एक्ट था यह पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना था ठीक है एक चीज ध्यान दीजिएगा दिस वॉज डन बाई अमेंडिंग आर्टिकल थ्री फिफ्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट आता है देर इज नो रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी फॉर लोकसभा इन तो ये तीनों ही स्टेट में सी एस को रिजर्वेशन नहीं मिले हुए हैं अरुणाचल प्रदेश मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट है फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज इन लोकसभा वॉज तो ये जी वी मावलंकर जीत है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज बीन डिफाइंड बाई दूशन बाई द सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है ठीक है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 जीरो टू सब क्लाज ए सब क्लाज ए सब क्लास क्लाज ए फॉर एम पी एंड आर्टिकल वन नाइनटी वन सब क्लास ए वन उसका सब क्लॉज ए फॉर एम एल एफ द कंस्टिट्यूशन एन एम पी और एन एम एल एज़ बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सीट अलॉकेटेड टू उत्तर प्रदेश इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर द सम टोटल ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू तो वही आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश फिर से आंध्र प्रदेश का न, नाम दिया हुआ है तो वो डिवीजन हो चुका है लेकिन ये सटल कह लीजिए पिंचिंग है कि आप जाके अभी इस वीडियो के बाद तुरंत खोलो और रट्टा मारो कि कितनी सीटें हैं अलग अलग ठीक है सीट्स एलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ हाउस ऑफ पीपल इज टोटल ऑफ़ सीट्स एलोकेटेड टू आसाम एंड मध्य प्रदेश ठीक हु हैज़ कंट्रोल ओवर इशू ऑफ मनी फ्राम कंसोलीटेड फंड ऑफ इंडिया तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं किसी के पास नहीं होता है ये पार्लियामेंट के पास होता है तो कंसोलिटेड फंड ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल टू सिक्सटी सिक्स सब क्लाज एफ दब क्लाज वन ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑल रेवेन्यू इज रिसीव बाई द गवर्नमेंट बाई डायरेक्ट टैक्सेज एंड इन डायरेक्ट टैसेज मनी बोर रिसीव्स फ्राम लोन गिवेन बाई द गवर्नमेंट तो नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्राम दिस फंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फिर आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तो ये आता है आर्टिकल 253 ये याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है फिर आता है एक्सप्लेनेशन uh, देख लेते हैं एक बार आर्टिकल 253 फिफ्टी थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ठीक नेक्स्ट है एनी पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कैन बी रिकोगनाइज एज नेशनल पार्टी इफ इट हैज़ स्टेट पार्टी स्टेटस इन इट एट लीस्ट फोर स्टेट्स होती हैं तो ये क्राइटेरियाज हैं तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा इसको अक्सर पूछता है यू पी पी सी एस नेक्स्ट है गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ पोलिटिकल पार्टीज एलॉन्ग विथ सीट्स वॉन तो ये हमें ज़रूरत नहीं है है ना ये तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है नेक्स्ट आता है असशन रीजन देर इज अ नो स्टेबल पार्टी सिस्टम इन इंडिया रीजन क्या है दे आर टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज तो ये भी रीजन हो सकता है लेकिन आ, कह सकते हैं कि आ, दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन कहीं से भी आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को ठीक नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग द सिटिंग ऑफ लोकसभा कैन बी टर्मिनेटेड बाय तो ये ऑल ऑफ दया होगा एडजस्टमेंट प्रोगेशन और रिजोल्यूशन से भी खत्म किया जाता है तो प्रोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ सेशन

ठीक है तो एडाहक जजेस भी एक टर्म आता है वॉज अपॉइंटेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेन देर इज नो कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड सेशन तो यानी मिनिमम जजेस होने चाहिए ना तो अगर वो भी नहीं है इसलिए एडाहक जजेस का कॉन्सेप्ट आया तो आर्टिकल वन ट्वेंटी सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडाहक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ देर इज अ लैक ऑफ कोरम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी है वो परमिशन लेते हैं पर, प्रेसिडेंट साहब से उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है इसी के साथ सन 2000 के भी क्वेश्चन खत्म हुए डिकेड खत्म होता है और ये बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जब क्वेश्चन दिखने लगते हैं चमकने लगते हैं ना तो पढ़ना आसान हो जाता है यार है ना तो ये वीडियो देख लेना आई होप कि ये हेल्प करे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं